ऐसा तो सांस लेते हैं जिंदा होने के लिए, बट हम वो सांस नहीं लेते थे कि हाँ जिनसे हम अच्छा फील कर रहे हैं अपने इनसाइड। पेन भी होगा, आपके शोल्डर पे पेन हो सकता है, आपके बैक पे पेन हो सकता है, आप शायद रूम से बाहर नहीं निकलना जाओगे। अगर मैं किसी और के पास जाता या किसी को भी बताता तो मुझे पता है कि मुझे वहां से कैसे रिएक्शंस आते। सो हेलो पीपल, मैं आज की वीडियो में कोई करियर को लेके बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा इमोशंस को लेके, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट, बट हाँ वो चीज़ें जो मैं खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ मैं वो चीज़ें बताऊंगा, तो भी यू कैन सी कि क्या वो चीज़ आपके लिए वर्क करती है या नहीं करती है। वीडियो में बात करेंगे इमोशन प्रोसेसिंग को लेके। अब होता है कि हम कई बार ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हम फील कैसा कर रहे हैं, अभी हम जो चीज़ फील कर रहे हैं अपने अंदर या हमारे जो इमोशंस हैं वो हैं कैसे, और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें इमोशनल प्रोसेसिंग की। क्या हम अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पा रहे हैं, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि क्या हम सच में खुश हैं या हम दुखी हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान कर रही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें कहीं किसी स्कूल या कॉलेज या हमारे फैमिली में कोई नहीं बताता कि ओके अगर तुम दुखी फील कर रहे हो तो तुम ये करो या ऐसा हो रहा है कुछ करो। अगर अब आज के टाइम पे किसी से नाम भी लो कि यू आर डिप्रेस्ड या आप मेंटली फिट नहीं हो या अभी आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो लोग शायद इसको मजाक में लेते हैं या फिर उसको किसी और चीज़ से जोड़ देते हैं। बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको किसी और चीज़ से जोड़ी जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारा मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा फिजिकल हेल्थ है। अगर आप बीमार पड़ते हो या आपको चोट लग जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, बैंडेज लगा दिया, कुछ टाइम में वो सही हो जाता है, बट वॉट अबाउट वो चीज़ें जो आपको मेंटली परेशान कर रही हैं, जो शायद किसी और को दिख नहीं रही हैं बट सिर्फ आप फील कर पा रहे हो, वहाँ पे तो कोई दवा या कुछ भी नहीं काम आता, राइट? और ये ऐसी चीज़ जिसमें दवा से कुछ काम होता भी नहीं है, आपको खुद ही वो चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। ये काफ़ी लंबा टाइम भी ले सकता है, ये 5 साल 10 साल भी ले सकता है उस चीज़ से बाहर आने में, जो बेसिकली बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं। मैं कुछ टाइम पहले मेंटल हेल्थ पे भी कंटेंट्स बना रहा था, बट उस टाइम मैं खुद फील करने लगा कि मैं भी उसी चीज़ में चला जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम तक मैं भी उस इमोशन से बाहर नहीं आ पाया, बट देन आई फील्ड कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो शायद मैं किसी और की भी हेल्प नहीं कर सकता। आई थॉट कि मैं अपने कुछ व्यूज़ दूँ और मे बी ये शायद और लोगों को भी हेल्प कर सके। तो कुछ स्टेप्स बताऊँगा मैं जो आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ टू नोटिस इट। नोटिस करना इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि नॉर्मल ही चल रहा है, बट ऐसा नॉर्मल नहीं होता। कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, कभी आपका बेड से उठने का मन नहीं करता है, कभी आप 1 हफ्ते हो गए 2 हफ्ते हो गए अपने रूम से बाहर नहीं निकले, कितना टाइम हो चुका है कि आपने अपने दोस्तों से बात नहीं किया, बहुत टाइम हो चुका है कि आपको बाहर जाने का मन नहीं करता। यू हैव टू नोटिस कि वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है जो आप पहले करते थे और अभी नहीं कर रहे हैं। तो नोटिसिंग इट कि हाँ मैं इमोशनली अभी सही स्टेट पे नहीं हूँ या मेंटली मैं अभी सही स्टेट पे नहीं हूँ इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहली चीज़ है क्या, नोटिस करना। और आपको हर अपने बारे में छोटी चीज़ नोटिस करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के कॉल बंद करने लगे हो, अपनी फैमिली से दूर होने लगे हो, या आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहे, आप काफ़ी टाइम तक सो रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, आप लॉस्ट फील कर रहे हो। तो नोटिसिंग ऑल दोज थिंग्स हर वो टाइम जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ टू नेम इट। अब जैसा भी आप फील कर रहे हो नोटिस करने के बाद उसको नेम देना है, नाम देना है। क्या फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो, कई बार लोगों के पास अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, कैसा फील कर रहे हो, तो उसको नेम देना है, उसका नाम देना है कि हाँ ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। तो यू हैव टू राइट कि आई एम सैड, आई एम लोनली, आई एम नॉट फीलिंग गुड। कई बार होता है कि एकदम नील फील कर रहा था कि हमें कुछ भी ना, तो हम खुश होते हैं ना तो हम दुखी होते हैं, बट हम एकदम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, तो वो भी लिखना है कि नथिंग, नॉट फीलिंग एनीथिंग, वो भी लिखो। नाउ द थर्ड वन इज़ टू फील इट। अब उस इमोशंस को फील करना, आई नो इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल और बहुत ही पेन होगा उस टाइम, बट यू हैव टू फील इट। अगर दुखी फील कर रहे हो, दुखी थोड़ी देर दुखी रहो, उसको फील करो, खुश हो तो खुश रहो, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बैठे रहो ऐसे ही, कुछ फील नहीं करना है, हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना है। और उस स्टेट में रहना काफ़ी पेनफुल हो सकता है, बिकॉज कई बार लोग रोते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्यों रो रहे हैं। अब अगर जब मैंने अपना थर्ड स्टेप बताया कि फील इट, अब आप कितनी देर रोगे, राइट? आप सोचोगे कितनी देर रोऊंगा, बट जो भी है उसको फील करो, देखो कि वो तुम्हारी बॉडी में कैसा फील करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले आई वॉज इन द सेम सिचुएशन, और उस टाइम मुझे अपनी बॉडी में बहुत पेन होता था, मैं सांस नहीं ले पाता था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती, मेरी सांस फूलती थी, मुझे लगता था कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घुट रहा हूँ, लगता था कि बॉडी में एकदम पता नहीं कौन सा
गैस बन गया है, आग लग रही है। मैं लोग बोलते ना कि हमारा खून खौल रहा है, मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ सच में मेरा खून खौल रहा है। जब मैं यहाँ पे अपना सर पे हाथ रखता तो मुझे लगता था ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हाथ ठंडे हैं, सर बहुत गर्म है, बहुत भारी फील होता था। तो वो इमोशंस जो था उस टाइम जो मैं फील कर रहा था वो मैं अपनी बॉडी के अंदर फील कर पा रहा था इन सम फॉर्म। और ये शायद आपके साथ भी होगा कि जब भी आप ऐसा फील करोगे यू विल फील इन योर बॉडी, आपकी बॉडी बताएगी। कई बार पेन भी होगा, आपके शोल्डर पे पेन हो सकता है, आपके बैक पे पेन हो सकता है, आप शायद रूम से बाहर नहीं निकलना जाओगे, किसी को देख के भी कोई अगर हंस भी रहा होगा तो आपको गुस्सा आएगा। बेसिकली मेरे साथ बहुत ऐसा होता था कि जब भी मैं इस फीलिंग में रहता था और कोई मुझे मेरे सामने हंस रहा होता था किसी मजाक में, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बस अपने अंदर की इमेजिन करता था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मार रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा हूँ, अंदर ही अंदर होता था, बट वो किसी और को नहीं पता चलता था। और मैं किसी को मारना पसंद नहीं करता हूँ, बट मैं वो चीज़ें फील करता था, कोई हंसता था तो मुझे गुस्सा आता था। तो डैट यू विल फील जब भी आप इमोशनली सही स्टेट पर नहीं होते हो, एंड यू हैव टू सी इट, यू हैव टू नोटिस इट वेरी केयरफुली कि ऐसी कहाँ कहाँ पे मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं अपने आप को नोटिस करना है कि किस टाइम पे मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, किस टाइम पे मेरे पर अंदर कैसे थॉट्स आ रहे हैं, तभी आप एग्जैक्टली जान पाओगे। और एंड वन मोर थिंग कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ट्राई टू है टेक द हेल्प ऑफ अ साइकेट्रिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट को की हेल्प लो। अब हमें लगता है कि नॉर्मल है, लाइक अगर आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स में या किसी में देखा होगा कि उसको बहुत गुस्सा आता है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग बहुत गुस्सा आना और गुस्से में किसी को मारना, इट्स एबनॉर्मल बिकॉज शायद वो मेंटली फिट नहीं है, उसके अंदर कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उतना गुस्सा आ रहा है। ये देखना कि ये इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, या कोई भी इंसान अगर बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, इट्स नॉट कि वो नॉर्मल है या उसका नेचर है, नहीं, इट्स समथिंग कि वो अपने मेंटल स्टेट में वो जा रहा है, उसको खुद भी नहीं पता है। तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप ऐसा कुछ भी फील कर रहे हो तो ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ अ साइकेट्रिस्ट, कि साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट जो आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में या इस चीज़ में आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज़ टू रिलैक्स। आपको उसमें रिलैक्स कैसे करना है? वट आई यूजली डू इसकी मैं एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डीप ब्रेथ लेता हूँ और मैं जो अंदर की एग्जाइटी उसको बाहर एक्सेल करने की कोशिश करता हूँ और बाहर से अच्छी से जो ठंडी हवा उसको इनहेल करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ और जो मुझे इस फोर्थ स्टेप में हेल्प करती थी वॉज कि मैं नेचर में जाके बैठता था, नेचर इन द सेंस कि मैं किसी पार्क में चला जाता था जहाँ पर ठंडी हवा चल रही हो, जहाँ पर मेरे पास आसपास ज़्यादा लोग नहीं हो और आसपास हरियाली हो, मैं वहाँ पर बैठता था। सो देयर वॉज अ पार्क जो मेरे घर से काफ़ी दूर था, 8-10 किलोमीटर था, बट मैं तब भी वहाँ पर ड्राइव करके जाता था, मैं बैठता था और मैं शांत रहता था। मैं उस टाइम कुछ नहीं सोचता था, बस मैं वो जो ठंडी हवा चल रही होती थी, जो लोग चल रहे होते थे, मैं उनको देखता था और मैं उस टाइम गिल्ट नहीं फील करता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि उस टाइम पे वही चीज़ ज़रूरी थी और ये मैंने काफ़ी टाइम किया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। क्योंकि अगर मैं किसी और के पास जाता या किसी को भी बताता तो मुझे पता है कि मुझे वहाँ से कैसे रिएक्शंस आते, या तो नेगेटिव आता तो जो मैं डिप्रेशन था जिस मेंटल स्टेट में मैं था और शायद मैं उसके और अंदर ही चला जाता, मैं शायद और दुखी होने लगता। तो इट्स बेटर कि आप लोगों से ही उस टाइम थोड़ी टाइम के लिए दूर हो जाए, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हमेशा के लिए दूर हो जाओगे तो वो और भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील कराएगी। कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे एक घंटे के लिए, जस्ट टू रिलैक्स फ्रॉम दैट सिचुएशन। कुछ और तरीके हो सकते हैं, लाइक जर्नल लिख सकते हो, अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करो जिसमें आप जैसा फील कर रहे हो वैसा लिखो, और डायरी बहुत हेल्प करेगी। मैं भी मुझे डायरीज ऐसा भी बहुत पसंद था लिखना, तो जब मैं भी गया था साइकेट्रिस्ट के पास, मैं साइकेट्रिस्ट वॉज उन्होंने पेज को पलटा, उन्होंने पीछे से हाथ रखे एंड शी सेड कि देखो फील करो कि तुमने तुम्हारे वर्ड्स कैसे हैं। तो जब मैंने भी उस पेपर पर रखा, आई वॉज एबल टू फील कि उस टाइम मैं जिस कंडीशन में लिख रहा था, हाउ वो वर्ड्स बता रहे थे कि तुम किस सिचुएशन में हो। ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी कि आप जर्नल लिखना स्टार्ट कर देते हो या फिर मूव करते हो, मूव इन द सेंस लाइक कि साइकिलिंग चला लो या तो साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर सकते हो आप, वर्कआउट कर सकते हो, योगा के लिए जा सकते हो, डैट ऑल्सो हेल्प्स। मैंने कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट किया था बिकॉज मैं अपनी बॉडी मोबिलिटी को बढ़ाना चाहता था और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं ये चीज़ें इमोशंस में आता तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था, मुझे लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो मैंने कैलिस्थेनिक्स ऐसा चूज़ कर लिया। उस टाइम मुझे किसी ने नहीं बताया कि मतलब तुम्हें रिलैक्स होना है इस कंडीशन में इन चीज़ों से, बट ये सब वहाँ मेरे अंदर ये चीज़ें आ जाती थी, मेरे दिमाग में आ जाती थी, क्योंकि मैं अभी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आई वॉज फीलिंग सुसाइडल और मैं सुसाइड नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ जीऊँ, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करता रहता था कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ। और इन्हीं सब चीज़ों में मुझे ये सारी चीज़ें मिली, लाइक
नेचर में जाना, जर्नल लिखना या वर्कआउट स्टार्ट करना। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका वो जिस भी स्टेट में होता है आप वहाँ से आपका दिमाग हटके उसमें आ जाता है, बिकॉज अब आपकी बॉडी थक रही होती है, अब आपको लगता है कि अच्छा ये वर्कआउट ऐसे करना है स्टेप्स। एंड आई थिंक जब भी आप वर्कआउट करना प्रॉपर पोजिशन जो होती है, प्रॉपर जो बॉडी जैसे आपको करनी होती वैसे करोगे तो आपका दिमाग भी लगेगा और उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। जब भी हम ऐसे करते हैं राइट, हम अब मुंह से साथ निकालते हैं, मुझे लगता था कि बहुत ही गर्म हवा रही है इस बिकॉज, क्योंकि मैं अंदर भी वैसा फील कर रहा था तो मैं ऐसे ही करता था, मैं इनहेल एक्सहेल करता था, मैं डीप ब्रेथ लेता था। और उसको जज मत करो, वैसे मैं जज कर रहा था कि हाँ ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है, डोंट जज इट। बस ये है कि आपको एक डीप लंबी सी सांस लेनी, ब्रेथ लेना है एंड यू हैव टू स्टार्ट ब्रीथिंग। होता क्या, जब हम परेशान होते हैं इमोशनली तो हम ऐसा तो सांस ले रहे हैं जिंदा होने के लिए, बट हम वो सांस नहीं लेते थे कि हाँ जिनसे हम अच्छा फील कर रहे हैं अपने इनसाइड। तो हमें डीप ब्रेथ लेना है जिससे हम अंदर अपने अच्छा फील कर रहे हों। तो मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगा एंड लेट मी इन द कमेंट्स कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर थी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ या इसी किसी टॉपिक पे जानना चाहते हो तो राइट मी इन द कमेंट्स। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस कीप स्माइलिंग।